इफ यू हैव रेड द बुक फोर आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस, वो कहता है, टिमोथी फेरिस कहता है कि उसका क्या कहना है, वो कह रहा है कि लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हम 60 की ईयर की एज तक, 50 की ईयर की एज तक काम करेंगे, उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? तो रियलिटी में सभी ऐसे सोचते हैं, सभी ऐसे सोचते हैं, बट अभी सामने की सामने मना कर रहे हैं। सर ये बुक पढ़ा ना, इसके लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, तो अब वो क्या कहता है, उसका क्या कहना है, उसका कहना है कि ना ये सोच गलत है। क्यों सोच गलत है? वो कहते हैं कि जब ना बूढ़े हो जाओगे, जब जब पैरों में चलने का दम नहीं होगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको हर 10 मिनट में सुसु आएगा, ठीक है, और हर 5 मिनट में प्यास लगेगी, तभी निकलोगे तुम वर्ल्ड टूर पे, ठीक है मुकेश? ठीक है ना, तब निकल जाना, तब घूम लेना दुनिया। वो कहता है स्टूपिड हो तुम, इस टाइम पे जब तुम यंग हो, इस टाइम पे जब तुम यंग हो, जब तुम हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हो, तो तुम 9 to 9 काम करो, घुसे रहो तुम, क्यों? Guys, is this logical? Logical नहीं है ना ये चीज, ये चीज logical नहीं है, ठीक है ना, ये चीज logical नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। तो उसका क्या कहना है, उसका क्या कहना है, उसने कहा है कि एक काम करो ना भाई, तुम्हारे को 3 दिन की छुट्टी लेने से कौन रोक रहा है? तुम फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ क्यों नहीं ले लेते, ठीक है ना? तुम क्या 1 या 2 दिन का भी काम अपना आउटसोर्स नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम फोकस करोगे तो आपको ही पता है, आपको छुट्टी लेनी होती है, जिस दिन आपको फ्लाई करना होता है, यूएस ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना होता है, तो आपका पता है कि आप 3 दिन मिले तो 3 दिन में उस हफ्ते का काम खत्म कर लोगे, 4 दिन मिले तो 4 दिन में खत्म कर लोगे। Isn't that true, guys? ठीक है ना? और वो कहता है कि यार 1 दिन की छुट्टी ले लो ना, 2 दिन की छुट्टी ले लो ना, फ्राइडे सैटरडे संडे निकल जाओ घूमने, कौन मना कर रहा है, राइट? डज दैट मेक सेंस? तो क्या टेक्निक क्या है? वो कहते हैं टेक्निक क्या है, टेक्निक है कि देर आर नो रूल्स, मेक योर ओन रूल्स, ठीक है? अपना रूल कौन बनाएगा? आप खुद बनाओगे। कब से कब काम करना है, आप अपनी सूटेबिलिटी देखो, ठीक है ना? आप कहते हो कि मैं हर वीक एक वेकेशन मनाने निकल जाऊंगा, हर महीने निकल जाऊंगा, ये आपका रूल है, आपको जो करना है करो ना, कौन रोक रहा है, ठीक है ना? अब मेरे को मंडे बहुत डाउन लगता है कि मंडे बहुत हैवी है, ये रिव्यू वो रिव्यू, पूरा दिन काम कर करके, तो मैं क्या करता हूं, मंडे शाम को मूवी देखने चले जाता हूं। तो एवरी मंडे आई हैव मेड एंजॉयबल, राइट? मंडे को टिकट भी सस्ती मिलती है डायरेक्टर्स कट में, पैसे भी बच जाते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी मंडे, राइट? तो यू कैन मेक योर ओन रूल्स।